स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग से तैनात पैरामेडिकल स्टाफ को अब नौकरी जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि 28 फरवरी की शाम UPHSP की तरफ से कर्मियों को निकालने की नोटिस पर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री सूरज गुप्ता के नेतृत्व में पैरामेडिकल स्टाफ CMO व सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। सूरज गुप्ता ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के समायोजन के लिए पिछले कई बार संबंधित को पत्र देकर समायोजित करने का अनुरोध किया गया था। अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो 5500 परिवार सड़क पर आ जाएंगे, सभी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। UPHSP की ओर से नोटिस मिलने से सभी कर्मचारी गुस्से में है। कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए 3.5 साल पहले आउटसोर्सिंग पर तैनात किए गए पैरामेडिकल स्टाफ 30 मार्च को बेरोजगार हो जाएंगे। सभी को 30 मार्च तक हटाने की नोटिस दी जा चुकी है। कहा है कि आज तक किसी भी स्टाफ की शिकायत नहीं हुई है, ऐसे हालत में कर्मचारियों को हटाया जाना गलत है, कर्मचारियों का समायोजन किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर वासुकीनाथ तिवारी, सूर्यभान महेश तिवारी, सत्यम चौहान, संदीप कुमार सिंह, राघवेंद्र, शोभा उपाध्याय, संगीता रईसा, पूनम, विकास सिंह, रजनीश राय, भास्कर राय, डॉक्टर रविंद्र ओझा, राज सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सूरज गुप्ता ने कहा, सूरज गुप्ता, उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट से कल शाम को समस्त कर्मचारियों के मेल पे सेवा समाप्ति की नोटिस आ गई है कि 30 मार्च 2019 को आपकी सेवा समाप्त है। ऐसी दशा में कर्मचारी जो 3 साल से जिला अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहा था, अचानक से उन्हें हटा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस चीज़ को लेकर के आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे कर्मचारी जाके जनता दरबार में मिलेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने का ही काम किया है। आज तक हम में से किसी भी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं है, हमारा कार्य व्यवहार अति उत्तम रहा है और हम युवा कर्मचारी लगातार जनहित में बेहतर काम कर रहे हैं। 23 नवंबर 2015 को हमारी तैनाती जिला चिकित्सालय गोरखपुर में हुई और यही परियोजना पूरे प्रदेश के लगभग 55 अस्पतालों में मार्च 2015 से शुरू हुई है। जिला चिकित्सालय गोरखपुर में लगभग 80 कर्मचारी और पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 कर्मचारी प्रभावित हैं।